और अब बात रामचरितमानस पर हमले की, क्या हिंदुओं के अपमान से चलेगी सियासी दुकान? टारगेट पर रामचरितमानस, निशाने पर हिंदू धर्मगुरु। अखिलेश मौन, स्वामी फिर शुरू। रामचरितमानस पर क्यों बार बार घमासान? समाजवादी पार्टी के लिए साधु, पाखंडी, जल्लाद और महाशैतान। क्या हिंदुओं के अपमान से ही चलेगी सियासी दुकान? ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 5 से लेकर 10% लोग उन संतों महंतों की जमात के साथ खड़े हैं, इसलिए उन पर भी मैं भारी हूँ। बेलगाम मोर्चे पर भड़के संत, सिर्फ कलम पर इनाम का ऐलान। सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरपंच से जुदा हो जाता। लगातार जहर उगलते मौर्य, बंद क्यों अखिलेश की जुबान? एक तरफ योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं, वहीं एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बेलगाम बयान पर घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के अपमान में कई विवादित बयान दिए। पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए, फिर संतों को आतंकवादी कहा, जल्लाद शैतान बताया, जिसके बाद अब यूपी में सियासी भूचाल मच गया है। मौर्य के विवादित बयान पर संत समाज नाराज है। वहीं बीजेपी अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों पर अड़े हुए हैं। बीजेपी अखिलेश यादव की खामोशी पर सवाल उठा रही है। आइए आपको बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर संत समाज नाराज है, क्यों नाराज है और कौन नाराज है। महंत परमहंस दास ने कहा, मौर्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। इस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट करके पूछे हैं कि जो उनके बयान का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहें। तो सबसे अच्छा है उनको अपना बाप कह दें, क्योंकि और तो कुछ वो कह नहीं पाएंगे, अपना बाप कह दें, क्योंकि यह जो है इसकी जो जवान है यह बेहद जहरीली है। इसलिए ये जो सुझाव मांगे हैं तो मैं इनको यही सुझाव कहूँगा कि जो इनका विरोध कर रहे हैं या तो ये देशवासियों से क्षमा मांग लें या सबको अपना पापा कह के बुलाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान पर कायम है। इंडिया टीवी से बातचीत में मौर्य ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। 85 से लेकर 90% लोग हमारे पक्ष में मंतव्य दिए हैं, 5 से लेकर 10% लोग उन संतों महंतों की जमात के साथ खड़े हैं, इसलिए उन पर भी मैं भारी हूं। हमें किसी प्रकार का डर और चिंता नहीं। ताजुब ये कि जीभ काटने और सिर काटने का फरमान जारी करने वाले लोग या तो कोई संत है या कोई महंत है या कोई धर्माचार्य है या जाति विशेष के लोग हैं। तो ही मैंने कहा कि अगर यही बात किसी अन्य धर्म और मजहब का कोई व्यक्ति कहा होता तो यही लोग उसको कहते ये आतंकवादी है। तो ही मैंने कहा कि कोई और कहता तो आतंकवादी होता, और आज सिर काटने और जीभ काटने की बात अगर संत और महंत धर्माचार्य जात विशेष के लोग कर रहे हैं तो इनको मैं क्या आतंकवादी कहूं, शैतान कहूं या जल्लाद कहूं। हमने रामचरितमानस के वो अंश जिसमें जाति विशेष को चिन्हित करते हुए नीच कहा गया, देश की समस्त महिलाओं
ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मारने पीटने का पात्र बताया गया, तमाम दुर्गुणों के बावजूद विप्र की पूजा करने और तमाम गुणों से संपन्न विद्वान होने के बावजूद भी शूद्र का अनादर करने की बात कही गई। गाली देने वाले आज एक है, लेकिन जिसको गाली दी जा रही है वो आज सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। और अगर देश के संत महाधर्माचार्य और जात विशेष के लोग धर्म के नाम पर गाली देने की परंपरा को जारी रखेंगे तो आज नहीं कल पूरे देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और यहां तक कि देश की समस्त महिलाएं एकजुट होकर के इनका बहिष्कार करेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।